दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन एफ ऑफ एल एंड के इज इक्वल टू 0.1 एल रेज टू पावर 0.5 एंड के रेज टू पावर 0.5. दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन एंड वेज रेट इज इक्वल टू 4 एंड कैपिटल रेट आर इज इक्वल टू 1. तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है यहाँ पे. तो यहाँ पे ए बी सी डी ई ये हमारे पास ऑप्शन दिया है, इनमें से एक हमारे पास आंसर होगा. तो चलो कैलकुलेट करते हैं. तो किस तरह से हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, प्रोडक्शन फंक्शन से हम टोटल कॉस्ट फंक्शन हम कैलकुलेट करेंगे. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे. तो आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है. तो चलते हैं आगे. तो मैं सबसे पहले आपको स्टेप बताऊँगा यहाँ पे कि कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करना है जिससे हमारा हमारा जो है आंसर आ जाएगा. तो स्टेप नंबर वन पे हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन पे हम कॉस्ट मिनिमाइजिंग कम्बिनेशन निकालेंगे. कौन क्या निकालेंगे, कॉस्ट मिनिमाइजिंग कम्बिनेशन. तो स्टेप नंबर वन हमारा आ गया कि कॉस्ट मिनिमाइजिंग कम्बिनेशन हमें निकालना है, ठीक है. और सेकंड में हम क्या करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, प्रोडक्शन फंक्शन में. सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्शन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके. देन थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि जो भी वैल्यू हमारे पास एल एंड हमारी के की वैल्यू आएगी इसमें कैलकुलेट करेंगे हम प्रोडक्शन फंक्शन से, उनको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको टोटल कॉस्ट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि टोटल कॉस्ट क्या होता है. टोटल कॉस्ट होता है डब्ल्यू टाइम एल प्लस आर टाइम के. ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है. तो हम इस बिल्कुल हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम इस फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है क्यू इज इक्वल टू 0.1 एल रेज टू पावर 0.5 एंड के रेज टू पावर 0.5 और वेज रेट हमारे पास 4 है एंड हमारे पास जो कैपिटल का रेट है वो 1 है, ठीक है. तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट मिनिमाइजिंग कम्बिनेशन निकालना है, जो मैंने स्टेप वन की बात की थी आपके पास. तो कॉस्ट मिनिमाइज कहाँ पे होगी, कॉस्ट मिनिमाइज कहाँ पे होगी, ये होगी मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, या इसे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इज इक्वल टू वेज ओवर आर. मतलब वेज ओवर आर मतलब वेज, डब्ल्यू वेज है जो लेबर को मिलती है और आर कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल का जो कॉस्ट होता है, ठीक है. तो ये मेरे पास ये कॉस्ट मिनिमाइजिंग कम्बिनेशन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हम करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करेंगे. तो इसको कैसे करेंगे, हमें डेरिवेटिव लेना है किसका, एल की रिस्पेक्ट में किसका, पूरे प्रोडक्शन फंक्शन का. तो ये आ जाएगा एल ये और के, ये प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे. तो देखो के को तो कॉन्स्टेंट ही रखना है, 0.1 और के तो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है. और एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0.5 नीचे आ जाएगा, ठीक है. और जो है माइनस में हो जाएगा है एल, क्योंकि 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 ही आएगा, ठीक है. तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एल 0.5. इसको और मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 0.05 और आगे आ जाएगा के की पावर 0.5 आ गई और एल की पावर 0.5 आ गई, ठीक है. तो यहाँ तक मैंने ये कर लिया. इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है. अब आगे मैं आपको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इसको भी सेम तरीके से करेंगे, इसका भी हम डेरिवेटिव लेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, के की रिस्पेक्ट में लेंगे. तो प्रोडक्शन फंक्शन को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ फिर से, ओके. तो ये के आ गया, ये आ गया, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन लिख दिया. इसी तरह अब हम लेबर को कॉन्स्टेंट लेंगे, तो
तो ये आ जाएगा 0.1 और लेबर को वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। और के का जो है 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये के रेज टू पावर 0.5 ऊपर था, सेम वही किया मैंने, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एल को नीचे था उसे ऊपर कर दिया और के को नीचे कर दिया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 और ये एल पावर 0.5 और के रेज टू पावर 0.5, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आ गया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी कैलकुलेट कर लिया, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम इन्हें कॉस्ट मिनिमाइजिंग जो कंडीशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसमें सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, तो ये थी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ओवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू W ओवर R, ये कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट करके क्या आ जाएगा, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, ये है 0.05 और ये K रेज टू पावर 0.5, ओके। और नीचे आ जाएगा हमारे पास L 0.5, ये तो बिल्कुल गिवन है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। और इसके नीचे क्या लिखना है हमें, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल लिखना है। तो ये आ जाएगा 0.05 टाइम L रेज टू पावर 0.5 एंड कैपिटल आ जाएगा 0.5, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास, और आगे मैं इसको वेज हमारे पास 4 है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 है, ठीक है। इतना हो गया, इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे जो आप इस जो है फ्रैक्शन से आप डिवाइड करोगे इसको, तो ये ऊपर चले जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। कैसे होंगी, यहाँ पे इसको मैं 0.05 ऐसे लिख रहा हूँ, के 0.0 ऐसे लिख रहा हूँ, अपॉन एल ऐसे ही आ गया, ओके। अब ये जो है नीचे वाला यहाँ पे आ जाएगा टाइम्स, ये आ जाएगा 0.05 और ये आ जाएगा एल रेज टू पावर 0.5 और के ऊपर चला जाएगा, ये तो सिंपल सा है, ठीक है। और इसमें 0.05 से 0.05 कल कट गया, ओके। और आगे मैं 4 लिख दूंगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा के रेज टू पावर 0.5 एल रेज टू सॉरी फिर के रेज टू पावर 0.5 और ये नीचे एल 0.5 और ये सॉरी ये भी एल 0.5, ठीक है। ये ऊपर के है, नीचे एल एल है, ये के है, ठीक है। तो 0.5 0.5 ये भी 0.5 है, ठीक है। ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास K अपॉन L इज इक्वल टू 4 और K का वैल्यू कितना आ जाएगा पास, K इज इक्वल टू 4L। ये हमारा पहला रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। ये पता लग गया हमें कि K का वैल्यू 4L के इक्वल है, इतना आपको पता लग गया। अब हमें हमारे पास K का वैल्यू आ गया, तो इसको प्रोडक्शन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारा स्टेप 2 है, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन आपके पास है Q इज इक्वल टू 0.1 L 0.5 K 0.5, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास Q इज इक्वल टू 0.1 और L को ऐसे लिखेंगे 0.5 और K की जगह 4L लिख देंगे, 4L, ठीक है। और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। और 4 को अगर यहाँ पे देखो 4 अगर 4 0.5 है तो इसका मतलब हुआ 4 को आप इससे ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2 टाइम 0.1 और L को वैसे ही लिखेंगे और ये L आगे अगला L को भी ऐसे ही लिखेंगे। अब L L सेम ही है तो इनकी पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 0.2L, ठीक है। और L को ऐसे लिख देंगे आप Q ओवर 0.2 और ये आ जाएगा आगे 5Q, ठीक है। तो L का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, L का वैल्यू हमारे पास आ गया L इज इक्वल टू 5Q को इक्वल है, ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब K का वैल्यू कितना था, K इज इक्वल टू 4L, ठीक है। और L का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा, टाइम 5Q, तो किसके इक्वल हो गया, ये 20Q, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों वैल्यूज आ गई, L की वैल्यू भी आ गई और K की वैल्यू भी आ गई। अब हमें फाइनल स्टेज पे जा रहे हैं हम, तो फाइनल स्टेज में हमें टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो टोटल कॉस्ट है आपका W टाइम L प्लस R टाइम K, इतना आ गया। आपको पता है कि W जो है वेज रेट वो 4 है और L कितना है हमारे पास
एल का वैल्यू हमारे पास 5Q है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, प्लस आर का वैल्यू कितना है 1 है, और टाइम्स कितना है, और के का कितना है, ये 20 आ गया, 20Q मैंने वैसे ही लिख दिया, और ये आ जाएगा 20Q प्लस 20Q, तो एवेंचुअली क्या आ गया, 40Q आ गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितना आ गया, ये 40Q आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब देखो इसको आप मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो इसको इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये मार्जिनल कॉस्ट भी आ जाएगा यहाँ पे, ये 40 आ जाएगा। ओके, 40 आ जाएगा, और एवरेज कॉस्ट निकालना है तो आप टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू कर दो, तो ये 40Q अपॉन क्यू हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये भी 40 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, टोटल कॉस्ट कर ली, मार्जिनल कॉस्ट कर ली और एवरेज कॉस्ट कर ली। ठीक है, अब हमें देखना कि फाइनल आंसर हमारा कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो आ जाते हैं हम सीधा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये देखो ये मैच हो रहा है हमारा, मैंने टोटल कॉस्ट कितना निकाला, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 40Q। ओके, इतना मैंने निकाला था टोटल कॉस्ट, तो देखो ये मैच हो रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, सी वाला हमारा फाइनल आंसर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।